हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लेक्चर देखने से आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। फिर भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको अकेला ये टॉपिक देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अलरेड रोको स्केल, या रोचो भी बोल देते हैं इसको, रोको भी बोल देते हैं। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों, अनपढ़ता का दुख से भारा शिक्षा ले रही गैल गुजारा, शिक्षित कर लो पूर्ण बेसिकली। अगर इसकी बात की जाए भी, जैसा कि हमने पढ़ा था, जो मुलिकन स्केल था वो 1934 के अंदर दिया गया था। इसके बाद भी काफ़ी टाइम तक कोई जो स्केल था इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी के नहीं दिया गया। जो उसके बाद स्केल आया वो अलरेड रोको के द्वारा आया गया, दिया गया 1958 के अंदर। ये जो स्केल है वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, ठीक है। इसके हम एडवांटेज भी पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं बेसिकली ये स्केल है क्या, इसका बेस क्या है। अगर बात की जाए अल्फ्रेड रोको स्केल की, इसको मैं AR स्केल बोल लेता हूँ, बार बार है ना अलरेड ऐसे लगता है तो मैं इसको AR बोल देता हूँ। दिस स्केल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में जो फोर्स है उसके बेसिस पर ये जो स्केल है काम करता है। इन्होंने अपनी इक्वेशन दी कि जो फोर्स है हमें पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जेड इफेक्टिव क्या है भाई, जेड इफेक्टिव क्या होता है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्लेटर्स रूल से। उसके ऊपर भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप पता कर सकते हो कि जेड इफेक्टिव कैसे निकाला जाता है। डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर क्या हमारा डिस्टेंस, कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस कैसा। तो फोर्स हमेशा हमें पता है भाई, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स उतने घटेंगे, क्योंकि फोर्स क्या होते हैं, जो रेडियस हो क्या होता है, या फोर्स क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। जो डिस्टेंस उसका स्क्वेयर हमेशा एफ होगा, तो यहाँ एफ नहीं सॉरी फोर्स जो होंगे हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस के, यानी डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स उतने घटेंगे। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन आई हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि एफ ए एग्जर्टेड बाई, जो कौन लगाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए न्यूक्लियस। तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे लिख दिया, कैलकुलेटेड बाई स्लेटर्स रूल। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेज आर कोरिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑन पोलिंग स्केल यूजिंग दिस फार्मूला। तो किस फार्मूला का यूज किया गया, चाई AR। AR का मतलब क्या, अभी यहाँ पर अलरेड रोको किसके बराबर होगा, 0.359 जेड इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर प्लस 0.744। अब देखिए न्यूमेरिकल में आपको R भी गिवन होगा, जेड इफेक्टिव आप सेलेक्ट रूल से निकाल लोगे, ये वैल्यूज हमारी कॉन्स्टेंट है। तो देखा जाए तो जो अलरेड रोको ने जो स्केल दिया वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा यूजफुल है, और जब इस स्केल से जो वैल्यूज आई और उन वैल्यूज को जब कंपेयर किया गया पोलिंग स्केल के साथ में, तो ऑलमोस्ट जो वैल्यूज आई वो सेम आई। कैसे, जैसे कार्बन की जो वैल्यू है भाई, जब पोलिंग स्केल ने उसको रिवाइज किया बाद में उसकी जो वैल्यू दी गई वो 2.55 दी गई, और AR स्केल के द्वारा मैं यहाँ पे पोलिंग लिख लेता हूँ और यहाँ पे AR लिख लेता हूँ, इसने उसकी वैल्यू कितनी बताई भाई, 2.5। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के लिए वैल्यू उन्होंने बताया 0.34, जबकि AR ने बताई भी उसकी वैल्यू कितनी है, 3.07। ऑक्सीजन की भी कंपेरेबल 3.44, यहाँ पे 3.50। सारी वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन की आई भी 3.98, इसके अकॉर्डिंग आई भी 4.10। अगर आप 9 को राउंड ऑफ कर दो वही हमारा 4 बनेगा। तो ये जो वैल्यूज थी भाई ये लगभग क्या आ रही थी, कंपेरेबल आ रही थी। तो इसके भाई हम बात करेंगे अब एडवांटेजेस की। तो जब भी हम बात करते हैं एडवांटेजेस की, तो AR स्केल के दो मेजर बेनिफिट रहते हैं। पहला बेनिफिट क्या है भाई, कि जो AR मेथड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मेजरिंग डिस्टेंस।
कि जो न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन कितनी दूर हो उसके बीच का क्या करता है, वो डिस्टेंस पता करता है, विच आर यूज्ड विद ए ग्रेट एक्यूरेसी बाई एक्सरे डिफ्रैक्शन, क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी से जो है भाई हमारे जो है एक्यूरेट जो डिस्टेंस है उसका पता लगा सकते हैं। इसकी यही तो लिमिटेशन बनी थी मूलिकन की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सब की पता नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। हैंड से चाई ए आर वैल्यूज आर क्वाइट एक्यूरेट, तो जो भी चाई ए आर वैल्यूज आई वो हमेशा क्या आई भाई लगभग एक्यूरेट वैल्यूज जो है वो मिली। दूसरा इसका सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है भाई कि जो जो ए आर है वो किसके ऊपर बेस है, डिस्टेंस डिपेंडेंस है, कूलम्बिक फोर्स के ऊपर, जो मोर फंडामेंटल है और रीजनेबल है, मोर फंडामेंटल एंड ए रीजनेबल बिकॉज ए डिपेंड अपॉन ए कूलम्बिक फोर्स यानी के एफ। लेकिन भाई आपको पता एडवांटेज है तो आपको क्या मिलेंगी, साथ में इसकी डिसएडवांटेज भी मिलेंगी। दो ही इसकी डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज इसकी क्या है भाई कि जो सेलेक्टर यूज सेलेक्टर रूल का जो यूज करके हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं कई बार उससे एक्यूरेट वैल्यूज नहीं आती हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सेलेक्टर्स रूल मे नॉट गिव एक्यूरेट वैल्यूज। तो सीधी सी बात है, अगर सेलेक्टर रूल जेड इफेक्टिव एक्यूरेट नहीं देगा तो उससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करेंगे वो भी क्या नहीं आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरा भाई इसके अंदर क्या पता करते हैं, आर का पता करता है, आर क्या भाई हमारा कोवलेंट रेडियाई, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता भाई, तो हम उसका डिस्टेंस भी नहीं निकाल सकते। दूसरी लिमिटेशन इसकी यही है कि कोवलेंट रेडियाई जो है इनएक्यूरेट हो जाते हैं जब हमें क्या नहीं पता होता, बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता होता, ठीक है। तो इसकी दो एडवांटेज होगी और दो डिसएडवांटेज होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।